स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पर। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे IOCL से वेरियस पोस्ट निकल के आ रही है जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि 10th, 12th और साथ में ITI हो उनके लिए ये मौका है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 0 रहने वाली है। ऑल कैटेगरी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है जो 22 नवंबर तक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे तो देख ही लिए और पोस्ट देखेंगे और कितना सीट है वो देखेंगे। यहाँ पे इंडियन वाइल्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड से निकल कर आ रही है वैकेंसी। ये जो है अप्रेंटिस का जॉब है, अप्रेंटिस से। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जनरल OBC EWS के लिए 0 रुपया रहने वाला है, वही SC ST कैंडिडेट के लिए ऑल्सो 0 रहने वाली है, 0 रुपया। इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पे बात कर ले तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो 4 नवंबर से शुरू हो रही है आवेदन की तिथि, और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है 22 नवंबर तक है। यहाँ पे कंप्लीट फ्रॉम लास्ट डेट जो है 22 नवंबर 2020 तक है, और वही एग्ज़ाम डेट यहाँ पे बता दिया गया है। एग्ज़ाम डेट जो है वो 6 दिसंबर का है और एडमिट कार्ड दिसंबर में ही आएगा। वही बात करें यहाँ एज लिमिट की, तो एज लिमिट 30/10/2020 तक 18 ईयर हो जानी चाहिए मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज जो है वो 24 ईयर होना चाहिए। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो कैंडिडेट पास आउट 10th 12th विथ ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, जिनका भी 10th 12th के साथ ITI है वो यहाँ पे, वो स्टूडेंट जो है यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे ये अप्रेंटिस का जॉब है। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 482 पोस्ट रहने 482 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल का 257 पोस्ट है और OBC का 95 है। वही EWS की बात करें तो 39 है और AC का 60 है और ST का 31 है। तो टोटल पोस्ट 482 है। यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे गुजरात में जनरल के लिए 48 है और OBC के लिए 21 है, और EWS के लिए 6 पोस्ट है और AC कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है और ST के लिए 12 पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 90 रहने वाली है। वही राजस्थान स्टेट के बात करें तो यहाँ पे जो है कि 31 पोस्ट जनरल के लिए रहने वाली है और OBC के लिए 7 पोस्ट रहने वाली है, और EWS के लिए जो है 3 पोस्ट है और AC के लिए 5 है और ST के लिए 3 है। यहाँ पे टोटल जो है राजस्थान में आपको अप्रेंटिस का जो सीट जो है वो 49 सीटें हैं। वही वेस्ट बंगाल में बात करें तो जनरल के लिए 19 पोस्ट रहने वाली है और OBC के लिए 9 पोस्ट रहने वाली है, और EWS के लिए 4 पोस्ट रहने वाली है, AC के लिए 10 पोस्ट रहने वाली है और ST के लिए 2 पोस्ट, जो कि टोटल पोस्ट 44 है, 44 पोस्ट है। वही बिहार के बात करें, बिहार के कैंडिडेट की ये ज़रूर अप्लाई करें। बिहार के कैंडिडेट 19 पोस्ट जनरल के रहने वाली है और 9 पोस्ट OBC के लिए रहने वाली है, और EWS के लिए 3 पोस्ट और AC के लिए 5 पोस्ट और ST के लिए यहाँ पे 0 पोस्ट रहने वाली है, जो कि बिहार में टोटल पोस्ट अप्रेंटिस का 36 है। वही बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य की 15 पोस्ट जनरल के रहने वाली है, 8 पोस्ट EWS के OBC के रहने वाली है, सॉरी 8 पोस्ट रहने वाली OBC के लिए, और EBC के EWS के लिए 3 पोस्ट रहने वाली है और AC के लिए 2 और ST के लिए 3। टोटल पोस्ट यहाँ पे 31 रहने वाली है। उत्तर प्रदेश UP की बात करें तो जनरल के 12 पोस्ट रहेंगे और OBC के 4 पोस्ट रहेंगे और EWS के लिए 7 पोस्ट रहेंगे, AC के लिए 3 पोस्ट रहेंगे, ST के लिए यहाँ 0 रहने वाली है और टोटल पोस्ट 24 रहने वाली है। वही उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के यहाँ पे 25 रहने वाली है, जो कि जनरल के लिए और OBC कैंडिडेट के लिए 5 पोस्ट रहेंगे और EWS के लिए यहाँ पे 5 रहने वाली है, AC के लिए यहाँ पे उड़ीसा में जो कि जनरल के लिए यहाँ पे 25 पोस्ट रहने वाली है और OBC के लिए 5 पोस्ट रहेंगे और EWS के लिए 5 पोस्ट और AC के लिए 7 पोस्ट रहेंगे और ST के लिए 9 पोस्ट, जो कि टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 51 पोस्ट रहेंगे उड़ीसा में।
अप्रेंटिस का। और यहाँ छत्तीसगढ़ के बात करें तो 5 पोस्ट जनरल की रहेगी, ओबीसी के लिए 0 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, और एससी के लिए भी यहाँ पे 0 रहने वाली है, एसटी के लिए 1 रहने वाली है, जो कि टोटल पोस्ट 6 है। झारखंड के बात करें तो झारखंड का 3 पोस्ट है और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए 0 रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 0, और एससी के लिए 0, और एसटी के लिए 0, यहाँ पे टोटल पोस्ट 3 पोस्ट हैं झारखंड में, जो सबसे कम है। यहाँ हरियाणा के बात करें तो हरियाणा के जनरल कैटेगरी के लिए 22 पोस्ट रहेंगे, और ओबीसी के लिए 10 पोस्ट रहेंगे, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट रहेंगे, एससी के लिए 7 पोस्ट, और एसटी के लिए यहाँ 0 रहने वाला है। टोटल पोस्ट हरियाणा में देखा जाए तो 43 पोस्ट रहेंगे। वही बात करें पंजाब की तो पंजाब में जो जनरल का पोस्ट है वो 8 पोस्ट रहेंगे, और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रहेगी, और एससी के लिए 4 पोस्ट, और एसटी के लिए 0, और 16 पोस्ट टोटल जो है कि पंजाब में अप्रेंटिस का रहने वाला है। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में जो है 12 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के लिए, 4 पोस्ट हैं ओबीसी के वाले के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, और एसी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 है, टोटल 21 पोस्ट है। उत्तराखंड के बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट है जनरल के लिए, ओबीसी वाले के लिए 0 यहाँ पे है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है, और एसी के लिए 1 है, और एसटी के लिए 0 है, यहाँ टोटल 6 पोस्ट है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए 3 है, ओबीसी वाले के 0 रहेगी, और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए यहाँ पे ऑल्सो 0 रहेगी, और एससी के लिए 0, और एसटी के लिए 0 रहेगी। टोटल पोस्ट यहाँ पे 3 ही पोस्ट है। तमिलनाडु के बात करें तो जनरल के 15 पोस्ट रहेंगे, और ओबीसी के 8 पोस्ट रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के 3 पोस्ट रहेंगे, एसी के 6 पोस्ट रहेंगे, और एसटी के यहाँ पे 0 रहने वाली है, टोटल पोस्ट 32 है। यहाँ कर्नाटक के बात करें तो 3 पोस्ट जनरल के लिए रहेंगे, ओबीसी के लिए 0, और ईडब्ल्यूएस के लिए 0, और एसी के लिए 0, एसटी के लिए ऑल्सो 0, यहाँ टोटल पोस्ट 3 ही पोस्ट है। आंध्र प्रदेश के बात करें तो जनरल के 5 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट जो है वो ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ 0 रहेंगे, और एसी के लिए 0, और एसटी के लिए 0, यहाँ टोटल पोस्ट 6 पोस्ट है। तो आवेदन जरूर करें।